मॉर्निंग क्लास को लास्ट क्लास में हमने अपनी चैप्टर ग्रीन प्लांट्स हाउ दे मेक फूड का वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बुक में देखिए पेज नंबर 16 पर आपका है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू लीव्स रियलाइज इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी लीव्स को रियलाइज होती है एटमॉस्फेयर में? गैसेस, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ लिखना है कि फोटोसिंथेसिस के समय वो लीव्स जो हैं कौन सी गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स? ग्रीन कलर के लीव्स का कलर जो ग्रीन है वो किस वजह से होता है ये आपको पता है, तो आपको इस पर टिक करना है, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, नोट या ग्रॉट सेल। तो यह आपको पता है क्लोरोफिल, तो आप इस पर टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टिप ऑफ लीफ अपोजिट टू द पेटोल? जो आप लीफ को टर्न करते हैं यानी पलटते हैं तो आप उस पर देखते होंगे, तो उससे हम क्या बोलते हैं उस टिप को? स्टोमेटा, क्लोरोफिल, एपेक्स या वेनस। तो जो भी आपको सही लगे उसका आंसर सही है उस पर आप टिक करिएगा। फिर हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करना है, ये आप खुद से करेंगे कॉपी में। और फिर है टिक एंड क्रॉस का। ऑक्सीजन इज गिविंग आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो है लीव्स हमारे ऑक्सीजन को गिवन आउट करते हैं। और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, तो ये आपका दोनों करेक्ट है। तो इसके आगे राइट का निशान लगाएंगे। प्लांट स्टोर देयर फूड इन देयर रूट्स। प्लांट जो है वो अपने फूड को रूट्स में स्टोर करता है, तो गलत है, तो इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। फिर फोर्थ है आपका, नॉन ग्रीन लीव्स कैन नॉट मेक देयर बॉर्न फूड। नॉन ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। ये आपको कॉपी में करना है, ये दो एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। अब हमारा है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर फर्स्ट है आपका, द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ए लीफ एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लीफ का कलर ग्रीन किस लिए होता है आपको पता है, क्लोरोफिल की वजह से। और लीफ जो है ऑब्जर्व करती है सनलाइट से एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की हेल्प से वो एनर्जी सनलाइट से लेती है। द लोएस्ट लेयर ऑफ सेल्स हैज मेनी स्मॉल होल्स मींस कॉल्ड स्टोमेटा। जो लोएस्ट लेयर होती है सेल्स की उसके बहुत सारे ओपनिंग है, खुले हुए जो पार्ट्स होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर Corrected by the guard cells. The guard cells regulate the opening and closing of the stomata during photosynthesis. A leaf gets in carbon dioxide and gives out oxygen and water vapor through stomata. जो हमारी leaves होती हैं photosynthesis यानी खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेती है और ऑक्सीजन गैस को जो है वो गिव आउट करती है और वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा के अंतर्गत से आता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे। फिर सेकंड है आपका, व्हाट इज पिटोन? तो आप लिखेंगे द स्टॉक और स्टीम दैट connects the leaf to the plant is pitot. The tip of a leaf of opposite to the pitot is called apex. जो आपका opposite side होता है वो आपका pitot
इसमें ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर टू में। और फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड, प्लांट जो है एक्स्ट्रा फूड अपना कहाँ स्टोर करते हैं। तो थर्ड आप लिखेंगे प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन लीव स्टेम एंड रूट्स, दिस स्टोर एक्स्ट्रा फूड इज नोन एज स्टार्च। ये आपका सेकेंड और थर्ड आंसर हो गया। सेकेंड में आपको लीफ का डायग्राम बनाना है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स गेट देयर फूड, जो कुछ नाम आपको दिए गए हैं वो अपना फूड कैसे वो करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट है आपको मशरूम आप लिखेंगे, सम प्लांट्स सच एज मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट, मशरूम आपका ग्रीन नहीं होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक देयर बोन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो किस पर डिपेंड होते हैं, मरे हुए या फसल जिनकी हालत खराब होती है उस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ये प्लांट्स मशरूम के अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। फिर है हमारा देवदार, प्लांट्स लाइक देवदार आर नॉट एबल टू मेक देयर बोन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, देवदार जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए एवल नहीं होते हैं तो इसलिए वो किसी अदर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर अब हमारा कैक्टस, लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट गेट रिड्यूस टू स्टेम्स और रूट्स, देयरफॉर देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड ऑकर्स इन देयर स्टीम। कैक्टस में आपके कांटे होते हैं, ये जो है अपनी स्टीम क्लोरोफिल होती है इनके में मौजूद, ये ग्रीन होते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जब भोजन बनाते हैं तो ये अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टीम में। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स यूज देयर फूड, फिर आप आंसर लिखेंगे प्लांट्स नीड वेरियस थिंग्स टू मेक देयर बोन फूड, दैट इज क्लोरोफिल लाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव, क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन द ग्रीन लीव्स चेंजेस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रल्स इन टू फूड स्ट्रेच इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको इसमें एक फिगर ड्रॉ करना है। ये वाला फिगर आपको आंसर फिफ्थ के सामने ड्रॉ करना है। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप आंसर लिखेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव चेंजेस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन टू फूड स्ट्रेच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस हमारे किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये आपका फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इस चैप्टर सेकंड का हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आपको बताया जा चुका है कि क्वेश्चन सेकंड में और फिफ्थ में फिगर ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के आगे आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे लीव्स वाला, और फिर क्वेश्चन नंबर फाइव के सामने आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करनी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में करना है, और
टिक एंड क्रॉस भी आपको कॉपी में करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे।